गुड मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 7 जो कोयल पढ़े थे उसका आज हम आगे पढ़ेंगे। कोयल चमकीली काले रंग की चिड़िया है। कोयल कैसा दिखती है? काली कलर, काली रंग और चमकीली दिखती है, मतलब काला कलर का और चमचमाती है। उसके दो पंख है, पतली नुकीली चोंच, उसके दो पंख होते हैं और पतली नुकीली चोंच होते हैं। छोटे छोटे पतले पाँव होते हैं, छोटे छोटे और पतले पतले पाँव होते हैं और एक लंबी सी पूंछ होती है, और एक बहुत लंबी सी पूंछ होती है। क्या होती है? लंबी सी पूंछ। कोयल कैसी होती है? उसका रंग काला होता है, चमकीला काला होता है। उसके दो पंख होते हैं, पतली नुकीली चोंच होती है, छोटे छोटे पतले पतले पाँव होते हैं और एक लंबी सी पूंछ होती है। इसके आँख बड़ी चमकीली होती है। उसका आँख कैसी होती है? हमेशा चमचमाती रहती है, चमकीली होती है। कोयल बसंत ऋतु में अपने देश में आते हैं। कोयल क्या करते हैं? जब बसंत ऋतु हो जाता है तो अपने देश में आते हैं, मतलब वो जहाँ रहते हैं वहीं पर आ जाते हैं। कारण यह है कि इसे ना जाड़ भाता है, मतलब इसको ठंडी अच्छा नहीं लगता, जो मतलब कोयल को सर्दी अच्छी नहीं लगती, ना वर्षा सुहाती है, ना वर्षा उसे अच्छा लगता है, उसको वर्षा अच्छी नहीं लगती और सर्दी अच्छी नहीं लगती, लेकिन सिर्फ बसंत ऋतु उसको अच्छी लगती है। अपने यहाँ जिसे ही जैसे ही आम के पेड़ पर मंजर आते हैं, मंजर मतलब जो आम के बोर, मतलब आम को, आम जो थोड़ा थोड़ा आम के जो कौन सी बोलते हैं, आम जब आने लगते हैं उसे उसको अच्छा लगता है। जब आम के पेड़ में छोटे छोटे आम आने लगते हैं उसको तभी अच्छा लगता है। कोयल आ जाती है और अपनी मीठी मीठी बोल से मौसम को और मस्त बनाती है। कोयल तब आती है जब आम के पेड़ पर छोटे छोटे आम आ जाते हैं और अपने मीठी बोली से बोलती है और मौसम और भी सुंदर बना देती है। इसे आम, इसका मंजर और अमराई बहुत पसंद है। कोयल को आम, आम का मंजर और अमराई बहुत ज़्यादा पसंद है।